ओके हेलो यस संकेत। सर, आपका पोर्ट्रेट मोड पे करो, शायद आप लैंडस्केप मोड पे हो। गिव मी अ मिनट। गिव मी अ डन मिनट। डन दिस इज ओके। दिस इज ओके। यस, नहीं, अभी भी आप पोर्ट्रेट मोड पे हो। नहीं, पोर्ट्रेट पे इसलिए रखा हुआ है, वो आड़े में यार वो खड़ा आड़े नहीं में होगा, यार दिक्कत खड़ा ही नहीं है। होगा, दिक्कत ही है। फिर मुझे पकड़ के फिर बैठना मुझे पड़ेगा, और बैठना ये मैं पड़ेगा, पकड़ के ये यदि मैं पकड़ बैठूंगा के तो दिक्कत दिक्कत होगी। होगी। अब ठीक है? अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है सर। ओके ओके ओके, सो लेट पीपल ज्वाइन। और आवाज़ आ रही है मेरी सबको शायद? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई एम संकेत हजारे एंड टुडे आई वेलकम यू ऑल इन द सेकंड सेशन ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। एंड वी आर अगेन हियर लाइव विथ इंस्टा लाइव विथ न्यू टॉपिक। और मेरे साथ है लाइफ कोच प्रोफेसर रवि शुक्ला सर, जिनको पता नहीं मैं बता दूँ कि ही इज़ एन एकेडमिशियन, राइटर, पोएट, एन ओरेटर एंड मच मोर। रवि सर, प्रणाम, यस बहुत बहुत स्वागत है यस आपका। लास्ट टाइम वी हैड डिस्कशंस ऑन हाउ टू राइट अ बुक। इट वॉज अ काइंड ऑफ अ डिस्कशन, बट टुडे वील हैव क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि बहुत जनों की रिक्वेस्ट थी। बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जो पूछने जी थे एंड जी वी कुड नॉट आंसर टू ऑल ऑफ देम लास्ट इन लास्ट सेशन। सो अगेन वी आर बैक विथ अ वेरी न्यू टॉपिक। एंड एक्चुअली इट इज़ नॉट न्यू, बट इट्स एक ऐसा टॉपिक है जो हम रोज़मर्रा के जीवन में जीते हैं और उसकी हमेशा हमें तकलीफ़ें आती है उस टॉपिक से। तो आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन। तो मैं जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं मैं उनको बता दूं कि यदि आपको किसी कोई क्वेश्चंस पूछना होगा तो आप सीधे आज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस को आंसर दिया जाएगा। और वंस अगेन आई वेलकम ऑल। तो मैं सबसे पहले कुछ आज आज का सेशन कुछ कम समय का होगा, ज़्यादा समय हम प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूँ जिस जो शायद बहुत लोगों के मन में भी होंगे और जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस है ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो चार क्वेश्चंस मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि कौन से होंगे, और उसके बाद में यदि आपको बीच में किसी को पूछना होगा क्वेश्चंस तो यू कैन आस्क डायरेक्टली टू सर। सो व्हाई वन रिक्वायर्स मोटिवेशन, दिस विल बी माय फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड विल बी हाउ टू गेट रिड ऑफ ओवर थिंकिंग। थर्ड विल बी हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग ऑन एनी बैड हैबिट परमानेंटली। और फोर्थ एंड द लास्ट इज हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन ऑफ बीइंग लोनली। तो ये चार कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो मैंने देखे हैं जीवन में, कभी कभी मैंने भी खुद अनुभव किए हैं। और हमेशा इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए मैं खुद पे सोचता था, या और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो जिनके मन में ये क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। तो मुझे लगता है कि शायद रवि सर आप इन क्वेश्चंस का आंसर भली भांति दे सकेंगे। तो बिना किसी देरी से आपका स्वागत है। और पहला क्वेश्चन मैं आपसे जो सबके मन में है कि आखिर क्यों मोटिवेशन, व्हाई वन रिक्वायर्स मोटिवेशन, आपके हिसाब से मोटिवेशन की परिभाषा क्या है? ओके तो ओके, सबसे पहले तो सबसे तो पहले हम एक बार फिर तो हम एक से, बार फिर से इको हो रहा है किसी का इको हो रहा है किसी का आपका स्पीकर, स्पीकर। हेलो, इको आ इको रही आ है। रहा है? इको आ रही है। नहीं, शायद जो लोग जुड़ रहे हैं वो बता सकेंगे कि इको आ रही है या नहीं। नहीं, तो मुझे आवाज वापस आ रही है मेरी, वापस आ रही है मेरी, इसीलिए। अच्छा। तो एक बार चेक करोगे आप चेक सिर्फ करोगे आप उसमें, सिर्फ उसमें जैसे जो लास्ट मैंने टाइम अपना किया था चेक आपने, किया था। हाँ, लैपटॉप पर हो आप या मोबाइल पर? मोबाइल पर अभी आ रही है क्लियर आवाज? ओके ना, अभी भी रिपीट आ ना, रही है, अभी भी इको रिपीट आ है। रही है, इको है। शायद ये इसमें तो अभी तो इस बार हेडफोन्स भी लगाए हैं, तो क्या प्रॉब्लम है बट आप लैपटॉप पर हो? नहीं, मैं मोबाइल पर हूँ।
मोबाइल पर हो ना, तो फिर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी अभी आ रही है। हेलो हेलो, डन, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ हाँ, ओके ओके। तो सबसे पहले तो एक बार फिर से सबका हम स्वागत करते हैं, जो लोग जुड़े हैं और जो जुड़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज है, लाइफ के भीतर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आगे बढ़ना, जैसा सब लोग मानते हैं, और आपका सवाल कुछ उसी से संबंधित है। मोटिवेशन, मोटिवेशन जिसे आप हिंदी में प्रेरणा कहते हैं, प्रेरणा शक्ति कहते हैं और इंस्पिरेशन कहते हैं, ये एक ऐसा भाव है जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंकरेज करता है, आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है, आगे बढ़ने के लिए आपके काम के प्रति आपको ईमानदार बनाता है। इसकी कोई एक अलग से परिभाषा नहीं है, हर एक व्यक्ति के लिए अपनी अपनी इसकी एक परिभाषा है। जैसे मैं, मेरे लिए मानूं, जब भी मैं किसी भी प्रकार की मोटिवेशन की जरूरत होती है तो हम करते क्या है, हम उन सारी चीजों का कलेक्शन अपने पास में रखते हैं, अपने दिमाग में, अपने दिल में, जो चीजें हमें मोटिवेट करती हैं। मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत उत्साहवर्धक हैं, आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर में लॉट्स ऑफ एनर्जी का संचार है, जिसके माध्यम से आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप स्टूडेंट है तो आप बेहतर करना चाहते हैं। तो यदि आप इन मोटिवेशन को केवल कुछ शब्दों में मानोगे, मुझसे कभी किसी ने एक चीज पूछा था, मोटिवेशनल स्टोरी या मोटिवेशनल कहानी या मोटिवेशनल वीडियो, उसे हम बार बार सुन करके या उसे बार बार सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मोबाइल को आप रोज रिचार्ज करते हैं, रोज चार्ज करते हैं, लैपटॉप को आज आप रोज चार्ज करते हैं, टैबलेट को आप रोज चार्ज करते हैं। जिस तरीके से एक लैपटॉप की, मोबाइल की या किसी भी एक वस्तु की या इलेक्ट्रॉनिक आइटम की चार्जिंग करने के बाद ही वो काम करता है, जिंदगी के भीतर हमारी भी पहली जरूरत है खुद को चार्ज करने की। हम बिल्कुल नहीं सोच सकते कि हम बिना किसी चार्ज के, बिना किसी एनर्जी के अपने किसी काम में या किसी भी प्रकार के काम को 100% कर सकते हैं। तो मोटिवेशन केवल ये है कि किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए आपके दिलो दिमाग में एक भाव आता है कि मुझे ये करना है, करके दिखाना है और मुझे आगे बढ़ना है। सफलता पाने के लिए मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि बहुत लंबी लंबी या बहुत लंबी चौड़ी कहानियां। दो लाइन में भी आपको मोटिवेट कर देते हैं लोग, और लंबे दो घंटे के भाषण के बाद भी मोटिवेट आप शायद नहीं होते। तो डिपेंड कितना करता है, केवल हमारे भाव पर। जिस दिन एक्सेप्टेंस आ गया कि मैं मोटिवेट हूं, और मोटिवेट करने का मतलब कोई टैबलेट तो आप ले नहीं सकते, बिल्कुल कोई आपको दवाई नहीं दी जा सकती या आपको कोई चार्ज नहीं कर सकता। मोटिवेशन आता सेल्फ से है, बिल्कुल फॉलो होता सेल्फ से है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सेल्फ अट्रैक्शन, आपका खुद का अटायर, खुद का दिमाग। जैसे उदाहरण के लिए, मैं जिस दिन नई शर्ट पहनता हूं मैं उस दिन बड़ा खुश रहता हूं, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा बार बार आईने के सामने देखता हूं। तो जिस दिन आपने कोई भी नया चीज पहना है, नया काम किया है, उस दिन आप अपने आप को ज्यादा मोटिवेट पाते हैं। दैट्स इट। ओके, तो जैसे कि आपने बताया, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि जब तक के किसी बाहरी अच्छे नॉलेज का हमारे अंदर संचार हम नहीं करते, तब तक के शायद हमारे अंदर की सोचने की क्षमता को हम बढ़ावा नहीं दे सकते, क्या ये हम कह सकते? राइट जी, बिल्कुल सही। क्योंकि प्रेरणा, आपका जो मोटिवेशन होता है, एक्चुअली ये काम क्या करता है, ये केवल आपको इंटरनल लेवल पर प्रेरित करता है, अंदरूनी रूप से प्रेरित करके आपको एक मुकाम तक पहुंचाता है। और उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो सफर के बीच में आप जिस भी जिंदगी की गाड़ी पर चल रहे हैं, उसमें ईंधन डालने का, डीजल डालने का, पेट्रोल डालने का काम, इट मीन्स ओनली मोटिवेशन। ओके, तो मुझे लगता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, और स्टूडेंट्स के लिए शायद आज का ये जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही क्वेश्चन हम डील करने जा रहे हैं जो जो रोज स्टूडेंट्स या ज्यादातर स्टूडेंट्स ही फेस करते हैं, क्योंकि इस समय में हमको वो नॉलेज नहीं होता कि हम डिप्रेशन को किस तरीके से हैंडल करें, हम ओवर थिंकिंग को किस तरीके से हैंडल करें, क्योंकि ये यही एज होती है जब हम सोचने लगते हैं और हम ऐसी एक गहरी सोच में चले जाते हैं जहां से हम कभी कभी निराशा लेकर हाथ में लौटते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, यदि कोई जो लोग जुड़े हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि यदि आपको भी किसी
किसी भी लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली आस्क करिए. सो सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू गेट रिड ऑफ ओवर थिंकिंग. सो आज की युवा पीढ़ी को एक बुरी आदत है, किसी भी बात पर ज्यादा गहरी सोच में हम चले जाते हैं और नतीजा होता है कि डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन आने लगता है और इसी वजह से कई बार खुद पर बेकाबू हो जाते हैं. ठीक है, और तो विचार किस बात का करे, कितना करे और कैसे करे, इस विषय में आपसे जानना चाहूंगा. ठीक। पहली चीज तो ओवर थिंकिंग क्या है? ये एक साइकोलॉजी का एक ऐसा शब्द है जो कि शायद जबरदस्ती दिमाग में डाल दिया गया है या ठूस दिया गया है। लोग आज से पहले भी सोचते थे, लेकिन आज से पहले कभी टीवी या अन्य प्रकार का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म था उस माध्यम से हमको पता नहीं चलता था कि लोगों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। आपका मोटिवेशन या ओवर थिंकिंग से आप कैसे बाहर आए और मोटिवेशन को एक्सेप्ट करें, सबसे दोनों के बीच में एक अंतर है। ओवर थिंकिंग क्या होती है? आप ओवर थिंकिंग में एक विद्यार्थी के रूप में क्या सोचते हैं, एक महिला के रूप में, गृहिणी के रूप में क्या सोचते हैं? आप ओवर थिंकिंग करते कब है पहले तो आपको यह ख्याल में लाना पड़ेगा। जब आप अकेले होते हैं, आप अकेले बैठे हैं, आप 10 लोगों के बीच में बैठे हैं और तब भी यदि आप सोच रहे हैं और आपके दिमाग में 10 प्रकार की चीजें चल रही है, इसका मतलब है वो जो एटमॉस्फेयर है, वो जो ग्रुप है, वो आपके लायक नहीं है या वहां आप अपना 1% नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है कि ओवर थिंकिंग हम करते क्या है, मनी, रिलेशन, सक्सेस, ड्रॉपफॉल्स, ड्रॉप आउट है तो उसके बारे में, और यदि एग्जाम्स आने वाली है तो उसके बारे में। हर एक एज की अपनी अपनी ओवर थिंकिंग है। छोटे बच्चे की अपनी ओवर थिंकिंग है, स्टूडेंट की अपनी ओवर थिंकिंग है, मेरी एज के लिए अपनी ओवर थिंकिंग है, किसी और के लिए अपनी ओवर थिंकिंग है। तो ये लाइफ का केवल एक पार्ट है। जिस दिन आपने ये सोचा कि मुझे ओवर थिंकिंग से बाहर आना है, उस दिन आपकी जिंदगी में फुल स्टॉप लग जाएगा। दिमाग में जो बातें आ रही हैं, उनमें से किन बातों को महत्व देना है, ये चीज है आपकी ओवर थिंकिंग से बाहर आना। आप अपने साथ में एक डायरी कैरी करिए। डायरी में आप डे टू डे कितनी चीजें सोचते हैं आप लिखते जाइए और उनमें से वो चीजें काट दीजिए। ये एकदम मैंने कुछ बच्चों से, मेरे स्कूल के और कई लोगों से मैंने ये चीज करवाई है कि उनको एक पेपर पे वो 10 चीजें लिखे जो उनके दिमाग में आ रही है और उनमें से वो लाइनें, वो शब्द काटते जाइए जो आपके लिए फिलहाल काम की नहीं है। एज अ स्टूडेंट, मेरे दिमाग में आ रहा है अफेयर, मेरे दिमाग में आ रहा है अट्रैक्शन, मेरे दिमाग में आ रहा है कि मम्मी पापा को रिजल्ट देना है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि पड़ोस वाले से बेहतर करना है, मेरे दिमाग में आ रहा है सबसे बेहतर करना है। आप इन सारी चीजों में से केवल एक चीज को ध्यान रख सकते हैं, दैट इज द ओनली वन, कि भाई आपको एग्जाम में बेस्ट करना है। तो हर एक सिचुएशन की अपनी एक थिंकिंग है। उस वक्त दिमाग में 100 बातें आएगी जिसमें से एक को पहचानने की कला, इट मीन्स ओवर थिंकिंग। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट आपसे कुछ नहीं बोलता, फालतू का पैसा लेता है, मैं क्लियर बता रहा हूं, फालतू का पैसा लेता है। वो करता क्या है, आपसे सुन लेता है चीजें और आपको केवल बताता है कि ये चीज अब आपको करनी है। आप ये चीज अपनी डायरी के साथ कर सकते हैं। आप अपनी डायरी में चीजें लिखते जाइए कि मैं ये चीज, ये सोच में आया, और उसमें से वो चीज कट करते जाइए जो चीज रिक्वायर्ड नहीं है। या बिल्कुल, यदि किसी के पास डायरी भी नहीं है तो आज तो फोन है सबके साथ में, एक नोटपैड निकाल के वहां पर सभी ऑप्शंस अवेलेबल है, टिक करते जाओ, कट करते जाओ। सर एक बीच में क्वेश्चन आ रहा है, भूषण जो है वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि प्लीज कैन यू गिव सम सजेशंस अबाउट हाउ टू कंट्रोल और गेट रीड ऑफ शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर, यानी जल्दी गुस्सा आने का जो एक स्वभाव है, हाँ। तो उस पर किस तरीके से काबू किया जाए, बिकॉज आई मैक्सिमम टाइम आई लूज माई दिस नेचर, तो हर बार वो अपना शांति से रहने वाला नेचर भूल जाता है। ठीक है, आप प्लीज बताइए सर। जी, ये चीज का शिकार तो पहले मैं खुद था, तो इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। जितने भी लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं खुद इस चीज का शिकार था। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि शॉर्ट टेम्पर्ड, एक्चुअली शॉर्ट टेम्पर्ड होता क्या है। सबसे पहले शॉर्ट टेम्पर्ड ये है कि भाई आपने
किसी सिचुएशन को, दिमाग में आपके कोई चीज आ गई और आपने हल्ला कर दिया, हंगामा कर दिया, या आप किसी को एक रपाट लगा दिया, एक चमाटा लगा दिया, दैट इज कॉल्ड कि भैया मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं। लोग बोलते हैं, और लोग जब बोलते हैं तो पहली चीज यह है कि हमारे दिमाग में वो चीज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं। पहला चीज ये है कि हमें हमारे दिमाग से इस बात को निकालना है कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं। साइकोलॉजिस्ट दो तरीके बताते हैं, यदि आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो दो तरीके बताते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड को या गुस्से से बाहर आने के लिए। पहला बहुत कॉमन है, भैया उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, उसके बाद भी गुस्सा शांत नहीं हो रहा है तो उस पे भी वो बताते हैं 20 से शुरू करो, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, फिर भी नहीं शांत हो रहा है, यू कैन अगेन गो टू 30, तो 30, 29, 28, 27, ये जितनी भी चीजें हैं ये केवल आपके दिमाग से उस सिचुएशन को बाहर निकालने के लिए है। तो पहली चीज, जब शॉर्ट टेम्पर्ड हुए हम या ऐसा लग रहा है कि हो रहा है तो आपको एहसास तो हो जाता है, तो उस सिचुएशन में अपने आप को अपनी आंख बंद करके एक गहरी सांस लेकर के चुपचाप से एक ठंडा ग्लास पानी पीजिए, या तो चार लोगों के बीच में भी गुस्सा आ रहा है तो उस जगह को छोड़ दीजिए, नंबर वन। घर में आ रहा है, कुछ देर के लिए टहलने पर निकल जाइए, क्लासरूम में आ रहा है, कुछ देर के लिए अपने मन को शांत कर लीजिए, ऑफिस में आ रहा है तो कुछ वक्त के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वॉशरूम में जाकर के रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। तो सिचुएशन पर तय करता है कि आपको इस चीज को यदि रियलाइज होता है, अच्छा जिनको गुस्सा आता है, क्योंकि मुझे खुद को आता है इसलिए मैं अच्छे से बता सकता हूं कि यदि आपको आता है तो आपको पहले पता चल जाता है कि हाँ अब मुझे गुस्सा आने वाला है। जैसे आप रियलाइज करते हैं, यदि आपको भूख लगती है तो आप खाने की तलाश में निकलते हैं, आप यदि टहलना चाहते हैं गाड़ी की तलाश, या आप कहीं बाजार जाना चाहते हैं तो आप साधन की तलाश में निकलते हैं। तो जैसे ही हमें ये लग रहा है कि भैया मेरे दिमाग मेरा आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है, जिसे हम लोग कहते हैं कि मूड खराब होना, मूड का स्विंग होना, और स्विंग हो जाने के बाद में अचानक से फिर आपने धावा बोल दिया सामने वाले पर या सिचुएशन पर, तो उस सिचुएशन को पहले तो आप कंट्रोल करने के लिए आंख अपना बंद करके गहरी सांस लेकर के बहुत निश्चिंत होकर के अपने आप से बातें करिए कि भाई हमें क्या करना है, क्या प्रायोरिटी है, ये जो सिचुएशन है इससे बेहतर भी चीजें हो सकती हैं। प्रैक्टिस, केवल इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, यदि प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये चीज नहीं हो सकती, इसके लिए एक प्रैक्टिस है, साल भी लग सकते हैं, 10-12 दिन में भी निकल सकती है चीज। बिल्कुल सर, एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारे बीच में, हर्ष मुथा, इन्होंने ये पूछ रहे कि सर हाउ कैन वी गेट मोटिवेटेड फॉर आवर स्टडीज फ्रॉम विच वी आर डिस्ट्रैक्टेड ड्यू टू सम रीजन, और सो हाउ कैन वी बैक टू आवर स्टडीज एंड ड्यूरिंग स्टडीज हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। तो ओवरथिंकिंग के बारे में तो आपने अभी बताया, तो उनको स्टडीज के दौरान शायद उनका ये कहना है कि उनका कहीं तो माइंड भटकता है और कहीं तो एक गहरी सोच में वो चले जाते हैं जिसकी वजह से उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, तो उस तरीके उस क्वेश्चन को आप आंसर करें। देखो इसमें दो चीजें हैं, एज अ स्टूडेंट और जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी बातें उस वक्त चल रही होती है। पहली चीज ये है, पढ़ने का मन करे तो ही पढ़ें, पढ़ने का मन करे तो इग्नोर करें, चुपचाप से वहां से उठ जाएं। जी, जो मन में आता है तुरंत वो करने लग जाएं, टहलने लगे, घूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, सोफे पर कूदने लगे, पर जबरदस्ती का पढ़ाई हमेशा से दिमाग को डाइवर्ट करता है, दिमाग को बोझिल करता है, दिमाग पर प्रेशर बनाता है, दिमाग को और ज्यादा हेवी करता है। हमें उतना ही पढ़ना है जितना की जरूरत है, हर एक व्यक्ति का अपना एक पैरामीटर सेट है कि भाई मैं इतना इतना कर सकता हूं, आपको अपना बेस्ट देना है। आने वाले रिजल्ट के बारे में सोचने के कारण हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है, किसी एक एज में किसी और चीज के कारण ये लगता है कि शायद हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले चीज अगेन जो हमने शुरुआत में कही थी, मैं मेरे कुछ बच्चों से चीज करवा चुका हूं, आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन के लिए आप पढ़ने बैठे हैं तो कौन कौन से ख्याल आते हैं, अगेन राइट डाउन दैट ख्याल
कि भैया आप उन सारे थॉट्स को लिखिए और आप अपने आप से डिसाइड करिए। मैं मान लीजिए कि पढ़ने बैठा हूं, पढ़ते वक्त मेरे दिमाग में कोई बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, मैं राइट डाउन करूंगा, मुझे किसी की याद आ रही है, टीचर की याद आ रही है, टीचर परेशान कर रहा है, टीचर पसंद नहीं है, घर वाले परेशान करते हैं, घर में प्रेशर है, किसी और चीज की है, मैं सारी चीजों को नोट डाउन करूंगा और लास्ट में मैं ये भी नोट डाउन करूंगा कि मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो मैं एक एक चीजों को दोबारा पढ़ूंगा, मुझे किसी की याद आ रही है, जरूरत है, नो कट इट। इस तरीके से एक एक पॉइंट को आपको अपने आप से रियलाइज करना है, एनालिसिस करना है कि सिचुएशन की डिमांड क्या है, जरूरत क्या है, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। एग्जाम्स के समय मान लीजिए मैं इंटरव्यू देने के लिए गया हूं, मैं एक किसी मीटिंग में हूं, मैं यदि उस वक्त किसी और चीज के बारे में सोच रहा होऊंगा तो ना मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा ना मीटिंग अच्छी जाएगी। उस वक्त हम क्या सोचते हैं, केवल उस चीज के बारे में। दिमाग कहां होता है, सिर्फ वहीं। तो पढ़ते समय ऐसा क्यों नहीं होता? जब आप किसी के साथ में फोन पर बात करते हैं, स्पेशली बोलने में कोई हर्ज नहीं है और सारे मैच्योर्ड हैं, यदि आप मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में फोन पर बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में केवल वही चीजें चलती रहती है, एक दूसरे का ध्यान एक दूसरे पर ही होता है, एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे हैं, तब भी 100% जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्यों आता है? क्योंकि आपने दिमाग को एक डायरेक्शन दे के रखा है कि मुझे इस वक्त यही काम करना है। तो दिमाग को डायरेक्शन देना हर एक किसी को आना चाहिए। आपका स्विच आपके पास है, आपको कब उसे ऑफ करना है, कब ऑन करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा, और ये केवल एक प्रैक्टिस से आता है। आप पढ़ने बैठेंगे, अपने आप को रिलैक्स करिए, बाकी चीजों से बाहर आइए, अपना स्विच ऑन करिए, इट्स केवल स्टडी टाइम। आप अपने आप को स्टडी टाइम के लिए डिवोट कर देंगे। बिल्कुल, तो थोड़ा कष्ट मुझे लगता है बस लिखने का, राइट डाउन करने का, जॉट डाउन करने का और एंड प्रैक्टिस सोचने का और प्रैक्टिस करने का, ये शायद हमें इस पर ध्यान देना होगा। इतना कष्ट तो करना ही पड़ेगा। तो आई होप कि हर्ष जी को उनके सवाल का आंसर मिल गया है, और यदि कोई पूछना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं पुनः सभी को बता दूं कि आज का टॉपिक है ओवरथिंकिंग एंड डिप्रेशन, तो आप इस विषय से रिलेटेड जो भी आपके पर्सनल क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। आई विल गो टू थर्ड क्वेश्चन। सो हाउ टू ओवरकम एनी बैड हैबिट परमानेंटली, किसी भी बुरी आदत को ओवरकम किस तरीके से करें? आज इस आधुनिक और टेक्नोलॉजी के दौर में हम खुद को आगे ले जाने के लिए और जीवन को समझने के लिए और जीवन को सरल बनाने के लिए हर प्रकार के मोटिवेशन के वीडियोस को, लाइफ स्किल्स के वीडियोस को देखते रहते हैं, और उसका असर हमारे जीवन पर काफी कम समय तक के रहता है। माना कि मैंने एक कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा या कुछ देखा, मैंने एक अपनी बुरी आदत पहचान ली और मैं उसे अभी अच्छी आदतों में बदलना चाह रहा हूँ, तो मैं वो आदत संभाल तो लेता हूँ, सुधार तो लेता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो आदत केवल 2 या 3 दिनों के लिए, 4 या 5 दिनों के लिए, या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक के मैं कर पाता हूँ। ये ऐसे क्वेश्चंस हमेशा शायद हर एक के दिमाग में आते होंगे कि मैं ज्यादा देर तक के किसी अच्छी आदत को रख क्यों नहीं पाता हूँ। तो मुझे लगता है शायद इस पर आप कुछ बता सके। यस, पहली चीज तो ये है, अच्छी और बुरी आदत कुछ भी नहीं होती। अच्छा, अच्छी और बुरी आदत कुछ भी नहीं होती। जो चीज को हम, जिस शराब को पीने के लिए हम कहते हैं कि ये बुरी है, वही बड़े लोगों के बीच में एक स्टैंडर्ड के रूप में देखी जाती है। तो अच्छी और बुरी आदत जिंदगी में कभी कुछ नहीं होती। जिस चीज को बचपन में चोरी कहा जाता है, बाद में उसे एक कला के रूप में एक आईएएस, एक आईपीएस, एक राजनेता या एक व्यक्ति अपनाता है। सबसे बड़ी चीज है कि आपके दिमाग को क्या चीज अच्छी लगती है, आपको क्या चीज सही और क्या चीज गलत लगती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी प्रकार से गुंडागर्दी करना मुझे अच्छा नहीं लगता और किसी के लिए वो हैबिट है, किसी को बहुत अच्छा लगता है, तो शायद उसके लिए वो अच्छी आदत है, मेरी नजर में वो खराब आदत है। किसी की नजर में
ये लगता है कि भैया हमें इसी प्रकार से जिंदगी जीनी है, उसको वो अच्छा लगता है। तो बुरी और अच्छी आदतें कुछ भी नहीं होती, केवल ये दिमाग के ऊपर में है और सोसाइटी के बनाए हुए टर्म्स के आधार पर है। पहली चीज ये है कि हमें अपने आप को अंडरस्टैंड करवाना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है। उदाहरण, मैं सिगरेट नहीं पीता, मुझे नहीं पसंद, वो मुझे बुरी लगती है। मैं शराब नहीं पीता, मुझे नहीं पसंद, मुझे वो बुरी लगेगी। लेकिन मेरा एक दोस्त दोनों करता है, उसके लिए मैं बुरा हो सकता हूं, उसके लिए वो आदत नहीं हो सकती बुरी। तो ये डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पर। आपको अपने आप को, अपने दिमाग को इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई ये मेरे लिए सही है या अच्छी आदत है, दूसरा ये मेरे लिए बुरी है या बुरी आदत है। दो चीजें यहां पर हैं। नंबर एक, साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी भी प्रकार की आदत को एक्सेप्ट करने के लिए 21 दिन लगते हैं, 21 डेज। अच्छा, मैं 21 डेज के भीतर में, साइकोलॉजी ये कहती है कि आप 21 दिनों तक यदि झूठ नहीं बोलते हैं तो आपकी झूठ बोलने की आदत ऑलमोस्ट, पूरी तरह से नहीं, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। खत्म। यदि आप शराब नहीं पी रहे हैं 21 दिन तक तो ऑलमोस्ट आप उससे बाहर आ जाएंगे 21 दिनों तक। आपने यदि जितने भी सेमिनार्स देखे होंगे या जितने भी आप लोगों ने वो तमाकू और आगे नीचे छुड़वाने के लिए, धूम्रपान छुड़वाने के जो सेशंस होते हैं, वो केवल 3 हफ्ते का कोर्स देते हैं। 3 हफ्ते का मतलब ही यही है, इट मीन्स 21 डेज। 21 डेज के भीतर में आप किसी भी बुरी आदत से, जिसे आप बुरा मानते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन अगेन इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किसे अच्छा मानते हैं, किसे बुरा मानते हैं। दो चीजें हैं, हम किसे अच्छा मानते हैं। स्टूडेंट लाइफ के भीतर अपने एक एथिक्स हैं, बड़े होने के बाद अपने एक एथिक्स हैं, कहीं और जाने के बाद अपने एक एथिक्स हैं, रूल्स हैं, लाइफ के अपने नियम हैं, जिंदगी के अपने जो रूल हैं वो आपको खुद बनाने पड़ेंगे। यदि मैं चाहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे वो किसी भी बुरी स्थिति में हो, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यदि मैं ये चाहता हूं कि मैं हमेशा किसी और तरीके से किसी और चीज को करना चाहता हूं, शराब नहीं पीना चाहता, तो मैं कभी नहीं पीऊंगा। ये आपको अपने आप को, अपनी जिंदगी के जो रूल्स हैं, जिंदगी का नियम, आपको खुद से खुद का बनाना पड़ेगा कि भाई देखो, तो बॉटम लाइन हम इसे कह करना चाहता हूं जी, कि हमें खुद को सोचना पड़ेगा कि हमें किस चीजों में अपना समय जो है वो व्यर्थ चीजों में डालना है या अच्छी चीजों में, जो वो हमको जो चीजें व्यर्थ लगती है हमें उसमें डालना है, या हमको जो चीजें अच्छी लगती है उसमें डालना है। राइट। एक पुलिस वाले ने एक चोर को पूछा, यार बार बार पकड़ में आ जाते हो, क्या ये तुमको शर्म नहीं आती? बोले सर आपको शर्म नहीं आती, बार बार आप मुझे पकड़ करके ला देते हो। चोरी करना उसका नेचर है क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया है, और पुलिस वाला अपने ड्यूटी कर रहा है। दोनों के लिए, दोनों की थिंकिंग अलग है, दोनों के विचार अलग हैं। जो उसके लिए अच्छी आदत है वो उसके लिए खराब आदत है। कई पार्टियों में आप इसलिए नहीं बुलाए जाएंगे बिकॉज ऑफ कि आप भाई वहां पे शराब नहीं पीते, वहां पे आप उस पार्टी के लायक नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी और बुरी आदत से गुजर रहे हैं। हाँ, लेकिन मोटिवेशनल वीडियो देख करके, जो आपने कहा कि आप किसी आदत को एक्सेप्ट करते हो, आदत होती क्या है? आदत वो है जिसको आप प्रैक्टिस में ला लेते हो। बहुत लोग ये कहते हैं कि आप आदत नहीं सुधार सकते। हमारे पास में ऐसे कई, यानी मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव के आधार पर ये बता रहा हूं कि कई आप किसी भी प्रकार की आदत को छुड़ा सकते हैं, किसी भी प्रकार की आदत से आप बाहर आ सकते हैं। इवन आप मोबाइल को भी चाहें तो आप इससे भी बाहर आ सकते हैं। सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है बहुत अधिक हम लोग यूज करते हैं, हम लोग उससे भी बाहर आ सकते हैं। अपने दिमाग को इस बात के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मैं इतना ही समय इसे दूंगा। तो आपका दिमाग सब कुछ तय करता है। जब आप अपने दिमाग में स्विच ऑन और स्विच ऑफ का एक बटन पहचान लेंगे कि मैं ये चीज करने के लिए तैयार हूं, मान लीजिए कि आप 4 दोस्त हैं, चौथे दोस्त, 3 दोस्त चोरी करने जा रहे हैं या कुछ अलग काम करने जा रहे हैं, आपको वो लोग जबरदस्ती तब तक नहीं ले जा सकते जब तक कि आपका दिमाग नहीं तय करता आपको जाना है या नहीं। जी बिल्कुल सर, थैंक यू। और मुझे लगता है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अभी मैं पूछने जा रहा हूँ, और वो है कि हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन ऑफ बीइंग लोनली।
जो हम अकेलापन महसूस करते हैं, बहुत से आज विद्यार्थी हैं जो ये प्रॉब्लम से गुजरते हैं। तो पहले क्योंकि दोस्त, पहले जब दोस्त हुआ करते थे स्कूल लाइफ में, तो वो साथ में रहते थे, वो साथ में मजे करते थे, हर एक चीज साथ में करते थे, तो दोस्तों को जो है छोटी छोटी चीजें जो है उनके साथ साझा करने में कोई शर्म नहीं आती थी। और इसका वजह से उनका जो स्ट्रेस है, जो भी है थोड़ा बहुत स्ट्रेस, या उस समय तो स्ट्रेस होता नहीं है, तो वो साझा करने के बाद फ्री हो जाते हैं माइंड। लेकिन आजकल दोस्तों के समूह होते हैं, लेकिन उनमें शायद एक ही आइडियोलॉजी में चलने वाले कुछ दोस्त होते हैं जो वो एक साथ आते हैं, क्योंकि अब सोचने की क्षमता बढ़ जाती है और उसी आइडियोलॉजी पर चलने वाले जो लोग हैं वही लोग अट्रैक्ट होते हैं, और जो लोग नहीं चलते वो अकेले रह जाते हैं। तो ऐसे बहुत बार होता है कि क्लास में किसी एक ग्रुप के साथ ग्रुपिज्म हो रहा है, मतलब एक ग्रुप चल रहा है, उसके बाद में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद को अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि वो उनके आइडियोलॉजी को मैच नहीं कर सकते, या फिर मैच भी करना चाहे तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में वो जो बंदा होता है या वो जो लड़का लड़की जो भी हो, वो अपने आप को मायूस कर लेता है, वो ओवर थिंकिंग में जाता है, वो सोचता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, या मैं किसी के साथ घुल मिल नहीं जाता हूँ, तो शायद मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो मुझे आप ये बताओ कि ऐसा ऐसे वो बच्चों का जो कमजोर हो जाते हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहोगे, या एक अच्छी दोस्ती किस तरीके से हो? यहाँ भी पहली चीज तो ये है, जो अकेलापन है, अकेलापन ये होता कब है, ये एक्सप्लेन करोगे? अकेलापन जब मुझे लगता है कि ठीक है, एक कोई प्रोजेक्ट है, एक हाँ, कोई असाइनमेंट है, एक कोई ग्रुप वर्क है, जब ग्रुप वर्क की बारी आती है तब बहुत से ग्रुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके उनके दोस्त होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक हाथ दूसरा बिछड़ जाता है या रह जाता है, तो उस समय में वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। उस समय में वो ये समझता है कि मेरी कोई अहमियत नहीं है इन दोस्तों में, या मुझे कम गिना जाता है, या मुझ में वो क्षमता नहीं है कि मैं इनके लायक या इनके बराबरी कर सकूं। तो ऐसी स्थिति में वो अकेलापन, यदि वहां का अकेलेपन की आप बात कर रहे हो, तो वो अकेलापन नहीं है। अकेलेपन का मतलब ये होता है कि आदमी पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया है। अच्छा। और जो हमारा क्लासरूम, ऑफिस का एनवायरनमेंट और यहाँ की बात है, वो इसलिए है क्योंकि होता यह है कि हम लोग अपने आप को कुछ अपेक्षाओं के आधार पर जांचने लग जाते हैं कि हम सामने वाला हमारे साथ में पैचअप क्यों नहीं कर रहा है, हमारे साथ में उसकी गुडविल क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोगों की अपेक्षाएं मैच नहीं करती हैं। हम लोग सोचते कुछ और हैं, आउटपुट कुछ और आता है, नंबर एक। नंबर दो, कि यदि ऐसा ग्रुप आपके साथ में जुड़ा हुआ है और यदि वो आपको बाहर करता है, तो उस ग्रुप के भीतर में उस व्यक्ति को पहचानने की कला नहीं है, या तो उस व्यक्ति को वो साथ लेकर के नहीं चल रहा है तो बिकॉज ऑफ की कोई रीजन होगा। हो सकता है कि वो बहुत ही अधिक बोलता हो सकता है बहुत ही खराब आइडिया देता हो सकता है कि कुछ और करता हो सकता है कि कुछ किसी और प्रकार से उसको परेशानी मिलती होगी, तो वो उस ग्रुप के भीतर में हम लोग ऑड मैन आउट करते हैं ना, जो वही ऑड मैन आउट ही जिंदगी के भीतर में इस ग्रुप से आपको बाहर करता है। जब आपको बोला गया था कि भाई चार लोग टी शर्ट पर आएंगे तो आप शर्ट पहन करके आए, आपने अपनी तरह से अपनी परेशानी मोल ली। आपको बोला गया था कि आपको एक आइडिया के साथ आना है, आप एक आइडिया लेकर के नहीं आए, आपने बोला आप जो करोगे, तो वहां पर उसकी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस खत्म हो जाती है। तो ये अकेलापन नहीं है, अकेलेपन का मतलब ये होता है कि फ्रस्ट्रेशन, आप पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप अकेले हो जाते हैं। अकेलेपन का मतलब यह है कि आपने जिंदगी के सभी लोगों से अपने आप को अलग कर लिया है, दैट इज कॉल्ड टोटली अकेलापन, जिसे आप डिस्ट्रैक्शन, फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन कहते हैं। ग्रुप के अंदर में यदि पांच लोगों का ग्रुप है, मान लीजिए कि क्लास में 30 बच्चे हैं और पांच पांच के ग्रुप बनाने हैं, सात सात के ग्रुप बनाने हैं, दो बच्चे बच गए, ओके, हाँ, सात 14, 21 और 28, चार ग्रुप बन गए, दो बच्चे बच गए, आप उन दो बच्चों में से एक बच्चे के लिए देखोगे कि छीना छप्पी हो रही है जी, संकेत बोलेगा कि नहीं ये मुझे चाहिए, रवि बोलेगा नहीं ये मुझे चाहिए, चारों ग्रुप लड़ेंगे,
कि ये व्यक्ति मुझे दो, लेकिन दूसरे के लिए नहीं लड़ेंगे। लड़ाई सिर्फ एक के लिए हो रही है, दोनों के लिए नहीं हो रही है। तो उसमें क्या ऐसी बात है? हो सकता है कि वो आइडिया अच्छा देता होगा जी, हो सकता है कि वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देता होगा बिल्कुल, हो सकता है कि वो कुछ भी ना कर सके लेकिन ग्राउंड पे बैठ करके काम कर सकता होगा जी। दूसरा वाला जो खड़ा है, सबको मालूम है कि ये कुछ भी गुड फॉर नथिंग है, ये कुछ भी नहीं करने वाला, प्रॉब्लम उसकी ये है। तो आपको ग्रुप के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, लोग आपको एक्सेप्ट करें, उसके लिए आपको सुनना आना चाहिए, ग्रुप में रह करके मानना आना चाहिए, मजाक करने की आदत है तो मजाक सहना आना चाहिए, टांग खींचने की आदत है तो लोग यदि आपको खींचते हैं आपकी टांग तो आपको हंसना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए ग्रुप के भीतर में, एक्सेप्टेंस। जैसे घर के भीतर में पांच लोग हैं बिल्कुल, पापा या कोई एक बहुत स्ट्रिक्ट है, आप घर से बाहर नहीं रह सकते पर आप एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्सेप्टेंस वही वाला एग्जांपल है कि भैया 30 बच्चे हैं, सात सात का टीचर ने ग्रुप बनाने बोला, चार ग्रुप बन गए, 28 बच्चे अलग हो गए, दो बच्चे बचे हैं, संकेत और रवि बचे हैं, संकेत के लिए लड़ाई हो रही है, रवि के लिए लड़ाई नहीं हो रही, क्योंकि हो सकता है कि वो जानबूझ करके लोगों का काम, मान लीजिए कि उसने एक प्रोजेक्ट बिगाड़ा, साइंस उसने ग्रीन होम बनाया और उसने जाकर के उसको तोड़ दिया, वो उनको डिस्ट्रैक्शन कर सकता है, उनको परेशान कर सकता है, तो उसे अपने आप को सुधारना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑल। और फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन जो है उससे बाहर आने का आज का सबसे बड़ा जो दर्द है, जो सबसे बड़ी बीमारी है, आपने देखा होगा कि पहले साइकोलॉजिस्ट नहीं होते थे, काउंसलर्स नहीं होते थे, आज हर स्कूल में एजुकेशनल प्लस काउंसलर रखा जाता है। क्यों? बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्यों? बिल्कुल, हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, अफेयर्स बहुत जल्दी छोटी छोटी क्लासेस में हो जाते हैं, टीवी पर आपने कोई फिल्म देखी तो मेरी मम्मी ऐसी क्यों नहीं दिखती, मेरे घर में ये चीज क्यों नहीं है, मेरी लाइफ में ये चीज क्यों नहीं है, हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, डिस्ट्रैक्शन दिमाग में वहीं से आता है। तो आपको यदि डिस्ट्रैक्शन से बाहर आना है यानी अकेलेपन से, तो अपने आप को कभी अकेला मत करिए, आप अकेले होकर के भी अकेले मत रहिए, लिखिए, पढ़िए, गाइए, नाचिए, घूमिए, ट्रेवलिंग कीजिए, किसी दोस्त से बात करिए, जहां आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही अजीब सा महसूस कर रहा हूं, तुरंत आप घर से बाहर निकल जाइए, वॉशरूम में जाके शावर लीजिए, सबसे बेहतरीन तरीका होता है डिप्रेशन से बाहर आने का, बात लेकर के आइए, ठंडा गर्म जो पानी आपको अच्छा लगता है, किसी भी वक्त बात लेकर के आइए, आप रिलैक्स रहेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। लेकिन एक और अभी और दो जनों ने फिर से क्वेश्चन पूछा है, हर्ष और भूषण ने, तो हम उनके क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगे। अच्छा, एक चीज हाँ सर, अच्छा और बुरा दोस्त कुछ भी नहीं होता, दोस्त की पहचान हम कैसे करें ना, तो अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं है, दिमाग के ऊपर है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक फिल्मों में देखा है कि एक यदि गुंडा है, एक यदि विलन है, तो वो बहुत अच्छे दोस्तों से भी दोस्ती रखता है। जितने पॉलिटिशियंस है ना, सबकी दो टीमें होती है, एक बी टीम होती है, ए और बी, ए मतलब कि उनकी गुडविल और बी मतलब जो अंडरग्राउंड काम करती है। तो अच्छा और बुरा जिंदगी में कोई नहीं है, जो मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए खराब हो सकता है, और जो आपके लिए अच्छा है वो मेरे लिए खराब हो सकता है, टोटली डिपेंड ऑन बिहेवियर सिचुएशंस। तो दोस्त कभी भी खराब होते ही नहीं है, दोस्त का मतलब ही यही है कि दोस्त आपको हमेशा, मान लीजिए कि मैं यदि नागपुर आता हूं, मैं किशोर को बोलता हूं भैया कि तुम मुझे रेलवे स्टेशन से लेने आ जाओ, एयरपोर्ट से लेने आ जाओ या छोड़ने आ जाओ, मैं तीन बार उसको रात में 2:30 बजे बुला सकता हूं, 12 बजे बुला सकता हूं, संकेत यदि नागपुर है मैं संकेत को बुला सकता हूं, मैं तीन बार उसे बुलाया वो तीन बार आ गया था, मैं यदि चौथी बार बुलाऊं वो यदि कोई चीज कहे कि नहीं इस बार नहीं आ सकता मुझे कुछ घर पे काम है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि इस बार उसे काम हो सकता है, हो सकता मैं अकड़ जाऊंगा यदि कि नहीं नहीं तेरे को दोस्ती की कदर नहीं है, तू नहीं आएगा, ऐसे कैसे जा से दोस्ती खत्म, और आपने तुरंत फेसबुक पे डाल दिया, आजकल लोग बहुत ही डेढ़ शाइने बनने लगे, तो आपकी गलती है। हो सकता है सामने वाले की कोई सिचुएशन रही हो, तीन बार उसने सर्विस दी थी आपको, आप हक से बुलाए तो वो आया, लेकिन कई बार आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सामने वाले को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्ती केवल अंडरस्टैंडिंग पर टिकती है,
दोस्ती एक्सपेक्टेशंस पे, अपेक्षाओं पर कभी नहीं टिकती, केवल समझदारी पर टिकती है। तीन दोस्त यदि बैठ करके पी रहे हैं और चौथा नहीं पीता तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दोस्त तो अपना खराब है, पीने वाला नहीं है, इसको जबरदस्ती मत करो। जी, तीन लोग यदि अच्छे से नॉनवेज खा रहे हैं, चौथा नहीं खाता तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भैया ये नहीं खाने वाला, इसको फोर्स का। हाँ, दोस्ती में फोर्स हो सकता है लेकिन जबरदस्ती नहीं हो सकती। जबरदस्ती फोर्स, फोर्स और जबरदस्ती में बहुत अंतर है कि दोनों में प्रेशराइज करना और फोर्स डालना, दोनों में अंतर है। सर, आपने प्रेशराइज की बात की, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हर्ष का। वो पूछना चाह रहे हैं कि हाउ टू अवॉइड अननेसेसरी प्रेशर विच वी गेट फ्रॉम सोसाइटी रिलेटेड टू आवर स्टडीज विच समटाइम्स लेट द स्टडीज लेट द स्टूडेंट्स गेट टू डिप्रेस सो मच। सो आप इसको समझ गए, आप आंसर वही वाला जो हम इसके दो क्वेश्चन पहले गए थे। दिमाग में एक स्विच करना है हर्ष, दिमाग में एक स्विच बिठा लो कि जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे किसी भी फील्ड में, तो आज जो आपको ताना मार रहे हैं कल ये बोलेंगे कि मैंने तो कहा था ये करके दिखाएगा। तो जो भी लोग आपको आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बना रहे हैं वो केवल समय की रिक्वायरमेंट है। आपकी गाड़ी खराब है, आप गाड़ी में जबरदस्ती यदि किक मारे, जबरदस्ती किक मारने की कोशिश करेंगे तो केवल आपके पैरों में दर्द होगा, गाड़ी खराब शुरू होने वाली नहीं है। मान लीजिए यदि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है आपके, आप अननेसेसरी किक मारते जा रहे हैं तो केवल आप अपने पैरों को अपने शरीर को तकलीफ देंगे लेकिन गाड़ी शुरू होने वाली नहीं है। यदि 80s का बच्चा है, 60 का बच्चा है, 40 या 50 एवरेज का है, आप उसको बोलोगे नहीं 100 लाना है, फिर तो 100 वाले को बोलेगा आप उससे ऊपर लेकर के आइए। तो लोगों का काम है कहना, हमें लोगों को अवॉइड करना है। सेम चीज दिमाग में बिठा लीजिए, क्या एक्सेप्ट करना है क्या एक्सेप्ट नहीं करना है। दो कान दिया है भगवान ने, सुनो इग्नोर करो, एक से सुनिए दूसरे से निकाल दीजिए। अच्छी बात को ऐसे कान रख करके रोक भी सकते हो और दूसरी बात के लिए कान को सर को झुका करके पहली बात को आप निकाल भी सकते हो। लोग जानबूझ करके प्रेशराइज करते हैं, लोग आपको जानबूझ करके प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करना है। सचिन तेंदुलकर यदि सक्सेस नहीं होता था तो शायद कहा जाता था ये तो बहुत बड़ा फेलियर है, सक्सेस हो गया। कितने भी लोग हैं जो सक्सेस होते हैं उनकी हिस्ट्री सक्सेस की बाद में लिखी जाती है, और जो पहले फेलियर की चीजें थी बाद में लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको लोग फिर बायोग्राफी और पता नहीं क्या क्या चीजों में डालेंगे, फिल्म तक बन जाएगी। तो जो चीजें आज खराब हैं वो वाल्मीकि हो सकता है, आपको वाल्मीकि का उदाहरण पता है, वाल्मीकि अंगुलीमाल पहले डाकू थे, दिमाग बदला, बाद में लोग आज उनकी पूजा करते हैं। तो डिपेंड करता है सिर्फ हमारे ऊपर। कान दो दिया है, एक को धक्का मार करके दूसरी बात निकाल दीजिए यदि पसंद नहीं है, दूसरी बात को कान हाथ रख करके रोक लीजिए बिकॉज वो आपके लिए है। तो इग्नोरेंस नंबर एक, लिख करके अननेसेसरी बातों को कट कर दीजिए, बची हुई बात की चिट्ठी लगा दीजिए अपने अपने ड्राइंग रूम में, अपने टेबल पर, स्टडी टेबल पे, बस ये करना है। और ऐसे लोग जो आपको बोलते हैं उन्हें इग्नोर करिए, क्योंकि यदि आप उन्हें भाव देंगे तो वो आपको और ज्यादा परेशान करेंगे। आप उन्हें इग्नोर करेंगे तीन बार, चार बार, पांच बार, वो आपको खुद ही और आपसे अलग हो जाएंगे। बिल्कुल, आई होप सर उसको जो हर्ष है उनको उनका उनके सवाल का जवाब मिल गया। भूषण का एक सवाल है, भूषण पूछ रहा है कि सर यू कैन शेयर सम टिप्स ऑन हाउ टू टेक सम डिप्रेसिव इंसिडेंट्स और सम ऑफ द नेगेटिव वाइब्स इन पॉजिटिव वे। तो नेगेटिव वाइब्स को पॉजिटिव वे में किस तरीके से ले, यदि आपकी कोई निंदा कर रहा है तो उसको आप किस तरीके से अपने जीवन में पॉजिटिव वे से ले, शायद ये पूछना चाह रहे जी। तो, इसके भीतर में भूषण जी का सवाल जो है वो एकदम सही है। क्या होता है कि हम लोग अपने आप में दो चीजों में फंस जाते हैं। जब लोग हमें परेशान करते हैं, निगेटिव वाइब्स जो आती है, नकारात्मकता आती है, वो नकारात्मकता आती कहां से है, आपके अपनों के अपने आसपास से आती है। ऐसे लोगों की पहचान करिए। कुछ लोग, यानी एक छोटी सी साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी में एक बहुत अच्छा सा है, जिसके कान में आपने सुबह जाकर के एक कोई भी गाना गुनगुना दिया, वो दिन भर वही गाना गुनगुनाते रहेगा। अच्छा,
यदि आपने जाकर के सुबह किसी को डिमोटिवेट कर दिया नकारात्मक, यदि मान लीजिए आपने अभी कोई गाना सुना है कहीं पर, किसी पान ठेले पर, किसी चाय टपरी पर, कहीं होटल में, आप देखेंगे कि आप जब बाहर निकलेंगे तो आपके दिमाग में वो गाना चलता रहेगा, आप गुनगुनाते रहेंगे। आपने मान लीजिए पान ठेले पे सुना कि खई के पान बनारस वाला, आप गुनगुनाने लगेंगे। हमारे दिमाग में नकारात्मकता, अच्छा एक पांच बच्चों का ग्रुप है, पांच दोस्तों का ग्रुप है, स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज के हैं या किसी भी कहीं के भी आप ले लीजिए कोलिग्स हैं, वो पांच लोगों में एक ऐसा व्यक्ति होता है, चार बोलेंगे हमें करना है, एक बोलेगा नहीं करना है, वो हमेशा नेगेटिव क्यों रहता है? हमें उसकी पहचान करनी पड़ेगी। हर किसी के घर में, एनवायरमेंट में, सोसाइटी में, यानी जिस तरीके से आप देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक अय्यर है लोगों का विरोध करने के लिए, अच्छी चीजों का विरोध करने के लिए, या पोपटलाल है, तो आपकी जिंदगी में भी ये दो लोग हमेशा मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। करना क्या है? केवल आपको अपने आप को उसके लिए तैयार करना है, क्या सही है और क्या गलत है। पहली चीज, आप इग्नोर करिए। हमारी जिंदगी में ऐसे कई मौके आए कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना और अन्य चीजें आप बंद नहीं कर सकते, तो केवल इग्नोर कर सकते हैं। वो जैसे ही शुरू हो आप मुद्दा कोई दूसरा छेड़ दीजिए, वो जैसे ही किसी तरीके से आपको अलग तरीके से डालें आप अपने आप को बदल लीजिए। तो केवल इग्नोर करने के अलावा और अपने दिमाग में किसी और की बातों को ना जाने दें। सेम स्विच ऑन स्विच ओवर आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि इसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। कुछ लोग जानबूझ करके नेगेटिव वाइब्स क्यों लेकर के आते हैं? आपने देखा होगा कि पांच लोगों के ग्रुप में एक व्यक्ति होगा जो नेगेटिव बात करेगा और उसके जाने के बाद में चारों बड़े रिलैक्स होंगे, अच्छा हुआ चला गया, वरना अब तक ये पकाता रहता। जो हमारे दिमाग में कचरा भरने का काम करता है, जो हमारे दिमाग को अन्य प्रकार से प्रदूषित या क्या कहेंगे हम उसे, प्रदूषित पोल्यूट करने का काम करता है, हमें ऐसे लोगों की पहचान करके बाहर आनी है। एक ऑटो वाला था, ठीक है, ऑटो वाला एक अपनी ऑटो चला करके जा रहा है, उसके अंदर में मेरे जैसा कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उस व्यक्ति और वो दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, तभी पीछे से हॉर्न बजाता हुआ एक व्यक्ति आया, महंगी गाड़ी में था, बहुत महंगी गाड़ी में था और हॉर्न बजा रहा है। ऑटो वाले को मौका नहीं मिल रहा था कि वो उसको बगल में कर सके, फिर ऑटो वाले ने उसको साइड दी, उस कार वाले ने गाड़ी रोक करके उसको अपशब्द कहे। ऑटो वाले ने खुद बोला, सर गलती हो गई, आप जा सकते हैं। ऑटो वाले ने केवल इतना बोला, वो चुपचाप से अपने रास्ते चला गया। मेरे जैसा जो व्यक्ति बैठा था उसने बोला था, उसने वही बोला, ये तो खुद गलती कर रहा है और आप उसको सॉरी बोल रहे हो। तो उस ऑटो वाले ने बहुत सुंदर सी चीज कही, ये लो घर का झगड़ा, ऑफिस का झगड़ा, अच्छा। इधर उधर का टेंशन अपने दिमाग में लेकर के चल रहे हैं, इनका जो दिमाग है वो कचरा घर है, वो कूड़ेदान है, और आपको ऐसे कचरे को अपने ऊपर गिरने से बचाना है। यदि मैं उसे उत्तर दूंगा तो वो चार प्रकार की बातें बढ़ेगी, दो से चार होगी, चार की आठ होगी, और वो बात फाइट पर आ जाएगी, दोनों के लिए ठीक नहीं है। आपने अपने आप से उसको इग्नोर किया, ना आप दोबारा उससे मिलने वाले हैं ना कुछ करने वाले हैं। दोस्तों के भीतर भी सेम चीज है, इग्नोर करिए ऐसे लोगों को जो कि केवल निगेटिव वाइब्स के साथ आते हैं। उनको अच्छा। या तो बदलने की कोशिश करिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि बदल कोई किसी को बदल नहीं सकता, कोई किसी को बदल सकता है तो वो खुद हम हैं जो अपने आप को बदल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच, और मुझे लगता है कि अभी एंड हो ही रहा है। फिर से हर्ष ने पूछा था कि बट समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू अवॉइड सम अननेसेसरी थिंग, तो सर आपने बिल्कुल वो क्वेश्चन को भी एड्रेस कर दिया है कि अननेसेसरी थिंग्स, बिकॉज व्हेन समवन प्रेशराइज मी देन आई इमीडिएटली थिंक ऑन दैट एंड गेट डिप्रेस्ड। तो किसी भी अननेसेसरी थिंग के ऊपर ये सोचने लगते हैं या प्रेशराइज करते हैं तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ये उनका कहना था। तो इसी के साथ शायद हम आज का वीडियो एंड करेंगे थोड़ी देर में। जी आप आंसर करेंगे। जी, उसके साथ में दो चीजें हैं कि हर्ष, सबसे पहली चीज है कि आपको मेंटली ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि भाई लाइफ में जितनी चीजें हो रही हैं ये सारी चीजें केवल एक टाइम बीइंग है,
ये समय के साथ साथ निकल जाएंगी, ये समय के साथ साथ गुजर जाएंगी। आज आप दसवीं में हैं, कल ग्यारहवीं में होंगे, दसवीं का चैलेंज अलग, बारहवीं का चैलेंज अलग। आज आप बारहवीं से, हम जब छोटे थे, हम बड़े हो जाएंगे तो पैसा आएगा और खरीदेंगे खाएंगे, और आज जब आपके पास पैसा होता है तो आप वो चीजें याद नहीं आती। समय की चीजें अलग होती हैं, उम्र के अनुसार चीजें बदलती हैं। हमारे ऊपर तय करता है, जो चीजें हमें बचपन में बहुत ज्यादा परेशान करती थी, आज वो चीजें बहुत इजीली टैकल हो जाती हैं, हम हैंडल कर सकते हैं। हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमें किस चीज को इम्पोर्टेंस देना है, किस चीज को अवॉइड करना है। हम तय करें, हमारी लाइफ है, कि हमें उसे महत्व देना है या नहीं देना है। हम उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, इट्स अ टोटली पार्ट ऑफ बिहेवियर। यदि हम डिप्रेस हो रहे हैं, यदि हम किसी की बातों से, मान लीजिए कि मुझे, यदि मान लीजिए कि कोई दुबला पतला कहकर के चिढ़ाए, मैं यदि उससे चिढ़ने लगा तो उसके लिए एक मुद्दा बन जाएगा, हाँ चलो उसको चिढ़ाते हैं। कोई यदि कम बाल वाला है, कोई यदि कम बाल वाला है, तो उसे आप यदि टकला कहें, उसे आप गंजा कहें, तो आप उसको मालूम है क्यों चिढ़ेगा। लेकिन जिस दिन उसने कह दिया यार बाल नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, जस्ट कॉल मी, और आप उसको नाम से किसी दिन पुकारो और वो कहे नाम, अरे यार से कॉल्ड मी टकला गंजा, आई एम हैप्पी विद दिस। जिस दिन आपने ये चीज कहा, सामने वाला टोटली बदल जाएगा। यानी सामने वाला तभी तक आपके साथ ऐसा बिहेव करता है जब तक कि आप परेशान हो रहे हैं। जिस दिन आपने ये सोच लिया, मान लीजिए कि हर्ष आपको कोई कहता है कि नहीं यार तू तो ज्यादा खेलने लग गया, एक काम कर पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे, उसको आपने जिस दिन बता दिया देखो पिछले 4 घंटे से पढ़ करके आ रहा हूं, ये समय मेरा खेलने का है, सामने वाले के पास में वो ब्लैंक हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। पेरेंट्स के सामने आपको यदि वो पूछ रहा है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप सीधा बोल दीजिए इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी है, टूटेगा नहीं टूटेगा वो गॉड नोस, लेकिन सिचुएशन को विन करते आना चाहिए। सिचुएशन को विन करने की टेक्निक आपके पास होना चाहिए। जैसे आप पुलिस वाले को देख करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, यदि लाइसेंस नहीं है गाड़ी चला रहे हैं तब नए बहाने आते हैं, आपको सिचुएशन को हैंडल करने की बात सीखनी पड़ेगी। जितने भी अननेसेसरी कमेंट आते हैं वो एजुकेशन से, आपको सिर्फ स्टडीज का प्रॉब्लम है, आप उनको बस एक ही चीज बोलिए अब तो रिकॉर्ड टूटने वाला है, सामने वाला उत्तर ही अगली बार से छेड़ेगा ही नहीं, उसको नया कोई चीज खोजना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि हमारा कोई एक, हमने ये अनुभव किया है कि मैं किसी को चिढ़ा रहा हूं, सामने वाला एक दिन खुद आके बोला मुझे इसी नाम से चिढ़ाओ यार बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए कि मैं किसी को प्यार से कोई चीज कहता हूं और वो चीज या चिढ़ा के कहता हूं, और एक दिन मैंने उसे उसके नाम से पुकार लिया, वो बदल जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं मुझे वही चीज अच्छी लगती थी। सिचुएशन विन करने की टेक्निक होती है, सिचुएशन विन करना आना चाहिए। और ऐसे लोगों को तुरंत यही उत्तर देना है, पढ़ाई के लिए बोले अंकल पिछले 6 घंटे से पढ़ रहा हूं, आपको पता है फिजिक्स का एक फॉर्मूला उसको सुना दीजिए वो खुद गायब हो जाएगा। कुछ नहीं तो रहीम के कबीर के एक दोहे को याद करके रखिए, उसको बोलिए कि मैं मेरे बच्चों को, मेरे किसी बच्चे ने मुझे ये चीज पूछी थी अभी 1 साल पहले, मुझे बोला सर ना मेरे घर पे एक अंकल है मुझे बहुत परेशान करते हैं, जब भी मैं घर जाता हूँ, मैं बोर्डिंग स्कूल में हूँ तो बच्चा जब भी घर जाता है तो लोग परेशान करते हैं, मैंने उसे एक फंडा दिया, उसको मैंने एक रहीम का दोहा सिखा दिया, और रहीम का दोहा सिखाने के बाद में मैंने उसको एक्सप्लेनेशन बता दिया। उसने घर जाकर के वो अंकल को पकड़ा, अरे अंकल पता है कि आपको रहीम क्या कहते थे, रहीम ने कहा था कि चाकू और तलवार और सुई दोनों का महत्व अलग अलग है, ये देखो ये तलवार है और ये रही सुई, यदि मैं इससे आपको मारूंगा तो इतना घाव होगा, इससे मारूंगा तो इतना घाव होगा। वो अंकल ने पलट करके उसको दोबारा नहीं छेड़ा। एक बच्चे को एक अंकल छेड़ा करते थे मैथ्स को लेकर के, बिकॉज कि वो जानबूझ करके छेड़ते थे। उसने पूछा अंकल आपको इस क्लास में कितने मार्क्स आए थे, उसने पलट करके उत्तर ही नहीं दिया। और एक ने यदि बोल दिया, मुझे बोला कि सर यदि उसने उत्तर दे दिया तब, मैंने बोला कुछ नहीं, उसको बोलना अंकल इतना तो मेरी क्लास का सबसे डफर बच्चा लाता है। आपको सिचुएशन को विन करना आना चाहिए, सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, और ये टोटली दिमाग का खेल है, मेंटल, आपको मेंटली ये चीज स्ट्रांगली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी।
और ऐसे लोगों का आप इंतजार करिए तो वो आपको खुद ही अवॉइड करेंगे, इससे पहले कि आप अवॉइड करें आपको लोग खुद ही इग्नोर करने लग जाएंगे। बिल्कुल। तो स्टडीज में यदि हर्ष को प्रॉब्लम है तो वो ये चीज आजमाए, ऐसे अननेसेसरी जितने भी प्रेशर्स हैं उन प्रेशर देने वालों को जिस दिन उसने प्रेशर दिया वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। ओके जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आज का ये सेशन बहुत अच्छा रहा और शायद हो सके तो हम अगले बार भी किसी अच्छे एक टॉपिक से, यदि किसी को लगता है कि कोई एक महत्व का विषय है जिस पर आज के युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन चाहिए जी, तो हम बिल्कुल ट्राई करेंगे अगले संडे या किसी और संडे को फिर से। हर्ष थैंक यू सो मच। आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चंस, हाउ कैन आई, तो आप रवि सर से बिल्कुल जुड़ सकते हैं, उनका व्हाट्सएप अकाउंट है, उनका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप कभी भी उनको मैसेज कर सकते हैं। संकल्प थैंक यू, जो लोग भी जुड़े उनको सभी को धन्यवाद। भूषण थैंक यू, एंड बॉटम लाइन तो यही रहेगी कि हमारे आचरण में, हमारे स्वभाव में हमेशा किसी ना किसी से, हमारे साइकोलॉजी में यही होता है कि हमेशा किसी ना किसी से हम प्रेरणा लेते हैं और वो प्रेरणा, उस प्रेरणा पर हम अमल करना जानते हैं, लेकिन केवल मात्र इतना एक होता है कि हमें विचार करना आना चाहिए, ना कि दूसरों के विचारों पर अमल करना, बल्कि खुद से विचार करना शुरू करना चाहिए। जब तक के वो अंदर से अपने आप से विचार पर हम अमल नहीं करेंगे तब तक के कुछ नहीं हो सकता। राइट। तो जाते हैं सर, आप क्या कहेंगे? उस बॉटम लाइन में सिर्फ इतना जोड़ेंगे कि आपको इंस्पायर करने वाला आप खुद हैं, किसी और की बात से, किसी और चीज से आप कभी इंस्पायर या बाकी चीजें नहीं होते, केवल आपको सोचने का एक किक मिलता है। तो आपको बदलते आप खुद हैं, आपको आगे ले जाते आप खुद हैं, आपकी हर सिचुएशन के जिम्मेदार आप खुद हैं। आप कैसे हैं ये आपको जज करना आना चाहिए। जिस दिन आपने ये जज कर लिया कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है, ये दुनिया अपनी नजर से देखेगी हम कैसे हैं, हमें उससे मतलब है। दैट्स इट। बिल्कुल। सो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग जुड़े थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू संकल्प, थैंक यू प्रसाद, थैंक यू हर्ष, एवरीवन थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।